माई नेम इज़ कोमलनील कौर और मैं जलंधर की रेजिडेंट हूँ। तो मेरे आई साइट बहुत ही वीक हो गई थी, लाइक 6 नंबर हो गया था। तो कहीं भी मतलब इवन कोई पार्टी में जाना तो स्पेक्स ला के जाना अच्छा नहीं लगता। तो फिर इसलिए फिर मैंने सोचा कि अब स्टेबल हो गया नंबर तो लेज़रग्राफी। मैं दुबल हॉस्पिटल आई तो मुझे डॉक्टर ने रिकमेंड किया कि ऑपरेशन लेसिक लेज़र चलता है आजकल। तो इसलिए फिर डिस्कस किया कर तो वो बोल रहे हैं कि करवा लेते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले मेरे आइज़ को सुन किया ड्रॉप्स के साथ। उसके बाद फिर वो मेरे को ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो फिर वहाँ पे स्टार्ट किया और बिल्कुल भी पेनफुल नहीं है वो। मेरे को जैसे एक सिर्फ लाइट को ही देखना होता है और तो कुछ नहीं करना होता है। तो फिर बस 5 मिनट एक आइस में लगता है और 5 मिनट 10 मिनट में मेरा हो गया। उसके बाद मैं बाहर आई तो मैं कम्फर्टेबल ही थी, मुझे इवन कुछ नहीं हुआ। तो फिर बस उसके बाद फिर मैं ठीक हो गई। अब मैं थर्ड डे है मेरा लेसिक के बाद, तो आई फील वेरी कंफर्टेबल एंड आई फील वेरी हैप्पी। सत श्री अकाल जी, मेरा नाम प्रभजोत सिंह है जी, मैं जलंधर का ही रहने वाला हाँ। तो मेरी निगाह काफ़ी घट गई सी, तो मैनू इतने अपने मतलब फैमिली तो पता लगा कि काफ़ी नॉन तो काफ़ी मतलब वैल क्वालिफाइड डॉक्टर दुग्गल साहब, उन्होंने बारे मैं पता लगा। तो उन्होंने तो आया मैं अपनी बेसिक बारे सारी इनफॉर्मेशन उन्होंने तो गैदर की, तो बिना कोई हैजीटेशन बिना कोई झिड़क या कोई भी उन्होंने डर पाए मैं सारी गल ओपनली सारिया गल् शेयर कीतियाँ। तो मैं जस्ट विद इन आफ्टर 3 डेज़ मैं ऑपरेशन करवा लिया। तो मैं जिदा हूँ अपनी हायर स्टडीज़ लिए कैनेडा जा रहा है, तो हजे मेरे ऑपरेशन हुए सिर्फ 15 डेज ही है। तो उन्होंने वालों सारा कुछ मतलब थम्स अप आ कि एवरीथिंग इज़ फाइन, सो आई कैन गो टू कैनेडा फॉर माय हायर स्टडीज़। सो टुडे आई एम हेयर फॉर माय चेकअप, सो एवरीथिंग इज़ फाइन एंड द ऑपरेशन इज़ कम्प्लीटली सक्सेसफुल एंड एवरीथिंग इज़ ओके। नाउ माई विजन इज़ 6x6 एंड कम्प्लीटली हैप्पी विद द टीम एंड विद द डॉक्टर। थैंक यू सो मच। मेरा नाम लखविंदर सिंह है जी, मैं मेलबर्न आस्ट्रेलिया तो। मैनू दूर देखण दी विदाउट द ग्लासेस मैनू प्रॉब्लम सी, तो मैं इत्थे आया लास्ट मंथ। मैं आपदे फैमिली मैंबर नू मिलिया, उन्होंने पहला करवाई हुई सी इत्थे लेसिक सर्जरी दुग्गल आइस हॉस्पिटल तो। उन्होंने मैनू रिकमेंड किया, मैं इत्थे आया डॉक्टर दुग्गल जी नू मिलिया। पूरे ऑपरेशन दे विच 5 मिनट लगे सारे, कोई भी टीका नहीं लगा, कोई भी टांका नहीं लगा और स्ट्रेट वे आफ्टर द ऑपरेशन मैं देख सकता सी। तो बहुत वधिया फीलिंग सी मेरे वास्ते। हुण मैं विदाउट द ग्लासेस बहुत वधिया मैनू फील हुंदा, दूर तक देख सकता। मैं सारिआं नू रिकमेंड करदा कि इत्थे हॉस्पिटल दुग्गल आई हॉस्पिटल जरूर आओ, तो तुसीं एक डिफरेंट वर्ल्ड तुसीं देखोगे। किरणदीप कौर है, आई एम फ्रॉम करतारपुर। मैनू मेरे फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि इत्थे लेज़र लेसिक ऑपरेशन वधिया करदे आ। डॉक्टर दुग्गल बारे मैनु दस्या, मेरी आईसाइट वीक सी, फिर मैं इत्थे आई, इन्होंने मेरा ऑपरेट किया एंड 1 वीक पहला मेरा ऑपरेशन होया एंड आई एम टोटली फाइन नाउ। बहुत वधिया एक्सपीरियंस रहा मेरा इत्थे, हुण मैनू कोई डिफिकल्टी नहीं आउंदी हैगी देखण विच, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट नाउ। एंड आफ्टर ऑपरेशन आई एम फीलिंग टोटली परफेक्ट नाउ एंड आई एम टोटली वेल नाउ। मेरा नाम नताशा है, मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। मेरी आईज प्रॉब्लम थी तो मुझे किसी ने एडवाइस किया दुग्गल डॉक्टर का, तो मैंने दुग्गल डॉक्टर से कंसल्ट किया। उसके बाद मैंने 17 दिसंबर को ऑपरेशन करवाया। ऑपरेशन करवाने के बाद मेरी आईज बिल्कुल ठीक है, विजन भी बिल्कुल ठीक है, मैं पूरी प्रॉपर तरीके से देख भी पा रही हूँ अच्छी तरह से। और मैं यहाँ पे आज रूटीन चेकअप के लिए आई थी तो डॉक्टर ने कहा कि आज सब कुछ ठीक है।